हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस से किसी भी फ्रेंड का स्टेटस को बिल्कुल आसानी से बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए अपने गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है जब हमारा फ्रेंड्स कोई अच्छा सा स्टेटस लगाता है और वो स्टेटस जो है सो हमको पसंद आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेटस को बोलते हैं कि भाई वो स्टेटस जो है सो हमको भेज दो, हमको भी ये स्टेटस लगाना है। तो दोस्तों, आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी कैसे डाउनलोड करते हैं ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। व्हाट्सएप से स्टेटस डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर में ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको इस ये यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको व्हाट्सएप नाम का एक फोल्डर होगा, उसको यहाँ से खोज लेना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप नाम का एक फोल्डर है, तो इसमें क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप में क्लिक करने के बाद यहाँ से मीडिया फोल्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस का कोई भी फोल्डर नहीं शो हो रहा है। तो इसको शो करने के लिए आपको ये थ्री लाइन में क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं शो हिडन फाइल, इसको यहां से इनेबल कर देना है, यानी कि वन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहां आप देख सकते हैं स्टेटस का एक ऑप्शन आ गया, एक फोल्डर आ गया, तो इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका फ्रेंड्स लोग जितना भी स्टेटस लगाए होंगे वो सारा का सारा स्टेटस यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये स्टेटस लगाया मेरा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर के थ्रू, या ये डायरेक्ट आप कोई चीज़ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये स्टेटस जो यहाँ पे आ गया है। तो इसको ये गैलरी में डाउनलोड करने के लिए सिंपल सी आप यहाँ से देख सकते हैं ये बिंदु वाला आइकन में, यहाँ से आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं मूव का ऑप्शन आएगा, या तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। यहाँ से आप इंटरनल स्टोरेज में भी कॉपी कर सकते हैं और एसडी कार्ड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इंटरनल स्टोरेज में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल सी इसको यहाँ से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, आपको बैक आ जाना है अपने मोबाइल के गैलरी में। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टेटस जो है सो हमारा यहाँ से सेट हो चुका है, सेव हो चुका है, यानी कि डाउनलोड हो चुका है। तो आप इसको फिर से अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, या फेसबुक स्टोरी पे लगा सकते हैं, या तो कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे।